नहीं था या जो भी था, तो हमारे चूंकि स्कूल में पूरे देश विदेश से बच्चे पढ़ने आते हैं, वो पेरेंट्स पूछते हैं बुरहानपुर क्यों फेमस है, तो हमको लगा कि एक ऐसी कलाकृति बनाई जाए जिससे बुरहानपुर का महत्व लोगों की नज़र में बढ़े, तो इसलिए हमने ताजमहल का एक तिहाई स्वरूप अपने घर के रूप में बनाया। इसका ओरिजिनल तो प्रवीण चौक से इंजीनियर हैं मुश्ताक भाई ने एज ए ठेकेदार कारीगर काम किया है, तो पूरा रूप रंग देने का काम इन दो लोगों का मेन है। हम तो सिर्फ बात कर सकते थे। कितना समय लगा? इसको 2 साल लगे बनने में। इसमें अंदर 4 बेडरूम है, एक हॉल किचन है और एक मकान है, हमारा घर एक ध्यान का कमरा है। क्या इसमें सारा जो मार्बल है वो मकराना का ओरिजिनल वाइट है और उस पर जो इल्ले वर्क और नक्काशी का काम किया है वो आगरा के कारीगर ने किया है आके। तो ये 2 ही टीमें बाहर की थी, बाकी सारे कारीगर इलेक्ट्रिशियन प्लम्बर से लेके जितने भी RCC वर्क है वो सब बुरहानपुर के लोगों ने किया है। नहीं, मुझे चूंकि 2-3 संस्थाएं चलाता हूँ, स्कूल अस्पताल वगैरह, तो हमारे यहाँ हम ना बच्चे की, ना टीचर की, ना डॉक्टर की, ना पेशेंट की, ना जात देखते हैं, ना पात देखते हैं। हम अपना काम करते हैं और तो मुझे लगता है कि ये जो भी बंटवारे हैं ये ना रहें, लोग प्यार से रहें। तो ताजमहल प्यार का प्रतीक है, देखकर ही याद आएगा कि भाई नफरतें छोड़ो, मोहब्बत से रहो तो बहुत सारा क्रिएटिव काम हो सकता है। आपने किसे गिफ्ट किया है? मैंने अपनी पत्नी को, मेरी बीवी को। नहीं, एक्चुअली कोई सोचता नहीं है, थोड़ा सा ताजमहल मकबरे नुमा है तो देख के मुस्लिम फीलिंग आती है कि भाई ये उस धर्म से जुड़ा है कहीं। फिर घर की बात करें तो कुछ बोलते हैं कि भाई ये कब्रगाह है, उसमें रहेंगे कैसे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, घर में बहुत सुकून है, बहुत प्यारा मकान है और दूसरे लोगों ने भी ऐसा बनाना चाहिए। नहीं, खुश होते हैं। बहुत सारे लोग जो आगरा गए थे वो कंपेयर करते हैं, बहुत सारे लोग जो आगरा नहीं जा पाते वो यहीं फ़ोटो खिंचा के खुश हो जाते हैं, और प्री वेडिंग शूट वाले बहुत आते हैं उनको अपना वीडियो बनाने के लिए आगरा नहीं जाके, और आगरा में भी वैसे प्रोफेशनल शूटिंग अलाउड नहीं है, तो यहाँ लोग अपना मन बहला लेते हैं देख के।